औरंगाबाद समाचार में आप सबका स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं शेख आयशा जिलानी। आज हम लोग आए हैं सानी हज एंड उमरा टूर्स एंड सर्विसेज के ऑफिस पर। यहां से तकरीबन 64 जायरीन का काफिला उमरा के लिए रवाना हो रहा है, तो आइए जानते हैं इन जायरीन के तासुरात कैसे हैं और इनके सफर के बारे में। जी, आप कितने फैमिली से कितने लोग जा रहे हैं? आपकी फैमिली से उमरा के लिए? हम दो लोग जा रहे हैं। दो लोग जा रहे हैं, तो आपको सानी टूर्स के बारे में कहाँ से पता चला? क्योंकि हमारे बच्चे पहले दो बार गए हुए हैं ना आपके? हाँ, दो बार गए हुए। हमारे बच्चे दो बार गए हुए। अच्छा। रवीन सहमत गए थे दो बार, तो उनसे पता चला, दोनों तीसरे से फिर जा रहे। तो ये आपका सफर कितने दिन का रहने वाला है? ये सफर 20 दिन का रहने वाला है। 20 दिन का? 20 दिन। बाजी, आपका नाम? वाजिदा बेगम। शुक्रिया। यहाँ पर कुछ जायरीन का काफिला आज उमरा के लिए रवाना हो रहा है, तो आइए हम जायरीन के तासुरात जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बाजी, आपको बहुत बहुत मुबारक उमरा सर्विसेज के लिए आप जा रहे हैं। आपकी फैमिली से कितने लोग जा रहे हैं बाजी? जजाकल्ला, मेरी अम्मी जा रही है, मेरे भाई हैं, हम चारों बहनें हैं, मेरी बेटी है, हम ऐसे टोटल 7 लोग जा रहे हैं। कुल मिला के 7 लोग जा रहे हैं। हाँ बाजी, कितने दिन का आपका ये उमरा टूर्स है सर्विसेज? 20 दिन का टूर है टोटल। 1 जनवरी को हम यहाँ से जाएंगे और 21 जनवरी को वापसी है इंशाल्लाह। बाजी, आपका नाम? मेरा नाम है तहसीन शेख अल्तमश। तहसीन शेख, कुल मिला के कितने लोग जा रहे हैं आप? 7 लोग जा रहे हैं। 7 लोग। बहुत बहुत मुबारक बाजी। जजाकल्ला, शुक्रिया। बाजी, हज उमरा सर्विसेज के लिए आप जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको सबसे पहले। शुक्रिया, आपको भी मुबारक। शुक्रिया। आप कितने लोग जा रहे हैं आपकी फैमिली से? हमारी फैमिली से लगभग हम 3 जा रहे हैं, हम मियाँ बीवी और हमारा बच्चा। तो आपको सानी टूर्स के बारे में कहाँ से पता चला, किसके जरिए से पता चला इनकी सर्विसेज के बारे में? हमें सानी टूर्स के बारे में फारूक भैया, फारूक अख्तर मौलाना है वो। अच्छा। सॉरी, फारूक, उनका क्या सरनेम है मालूम नहीं मुझे। उनके जरिए हमको पता चला इस टूर के बारे में कि बहुत अच्छे फैसिलिटी भी है, सब चीज़ें और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी, तो कितने दिन का सफ़र है आपका टूर उमरा का? उमरा का हमारा सफ़र है 20 दिन का। 20 दिन का सफ़र है। और इनके क्या क्या फैसिलिटीज़ की इन्होंने आपसे वादा किया है वहाँ पर जाकर जो पूरा करेंगे? मतलब रूम, कमरे अच्छे हैं, अच्छे गाइडेंस है हमारे साथ और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सहूलत है इतना। चलिए, शुक्रिया। आपका नाम? खुर्शीद बेगम। खुर्शीद, अल्हम्दुलिल्लाह खालिद ने बहुत अच्छे वादे 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 किया है। मेरे घर की फैमिली के लोग तकरीबन इससे पहले रमजान के बाद अभी फिलहाल में घर के 14 लोग गए थे, अभी इस साल 8 लोग और साथ में जा रहे हैं। उन्होंने अच्छे से अच्छा कॉपरेट किया है, खाना भी अच्छा है, फैमिली भी अच्छी की है उन्होंने, खाने पीने में इंतज़ाम अच्छा की है और आपको रहने के लिए नज़दीक भी दिए है, सफ़र में कोई तकलीफ नहीं है, हर चीज़ की सहूलत है वहाँ पे, कोई मकसद नहीं है ऐसा। खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छा है, ज्यारती बहुत अच्छी कराए उन्होंने, ज्यारत बहुत अच्छी कराए उन्होंने। अरे मेरी फैमिली उम्र की, अरे मेरी फैमिली के भी 7 लोग जा रहे हैं इनके साथ में, माशाल्लाह बहुत अच्छा। कहा कि हम 14 लोग गए थे उस टाइम पे, बहुत अच्छा रहा, उसी को देखकर हम ये आज 7 लोग को क्रूज यूज कर, वो 14 लोग भेजा था मैंने मेरी फैमिली के, जब जी अभी रमजान के बाद की बात, जी उसी को देखकर हम ये 7 लोग यहाँ पर मौजूद हुए, इसमें अटैच हुए। अच्छा, जाते आते उम्मत मुस्लिम के नाम फिर नेक्स्ट सफर रवाना, तो पैगाम आपकी तरफ से कोई मक्का मदीने की ज्यारतें होंगी तो दुआओं की तरफ से कोई पैगाम अपनी तरफ से कुछ दुआओं भरा कि भाई हमें कैसा रहना है, कैसे चलना है, कोई पैगाम? अच्छा तो रहना है, पैगाम की अच्छा अच्छी ज्यारतें करना, अच्छे से अच्छा रहना है। टूर वाले जो साथ में रहबर रहते हैं उन अच्छे से समझाते हैं हमको, अच्छा घुमाते भी अच्छा, हमको ज्यारतें कराते अच्छी, माशाल्लाह कोई चीज की तकलीफ नहीं है और खाने पीने में कोई एक से एक अच्छे खाने मिलते हैं, अच्छे रहने के लिए बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से? मेरा खलील अहमद कुरैशी नाम है, मैं चंपा चौक से हूँ औरंगाबाद। इनकी तरफ से वादे वादे क्या है, मतलब कोई बातचीत हुई होगी इनके तरफ से कि होटल खरीब रहेंगी और जो है तो फैसिलिटीज अच्छे रहेंगे, खाने का इंतजाम है, ये जो रेगुलर जो बता। पहली बार जा रहे हैं आप? पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, किसका सुन के जा रहे हैं? नहीं नहीं भाई, दिल ने बोला सेल्फ जा रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब इनके बारे में कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, हम खुद से आ गए और चले गए। पूरी दुनिया में, देश में हालात जो चढ़े, इसके लिए कोई दुआ? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, सबके लिए दुआ करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, पूरे उम्मत के लिए, जो महरूम है, जो
मर चुके हैं जो हयात है सबके लिए करेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अखलाकुर रहमान औरंगाबाद। क्या है? शेख मुजफ्फर। आप कहाँ जा रहे हैं? उमरा। किसके साथ जा रहे हैं? नानी फैमिली के साथ। तो अच्छा, वहाँ जाके क्या करने वाले जहन में है? उमरा। उमरा करें? उमरा। मक्का ज़्यारत है। कोई आपके तो कुछ आप कम उम्र में जा रहे हैं, कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस हो रहा है अलहमदिल्ला। अच्छा, आपका नाम क्या है? शेख मुजफ्फर। मेरा नाम सैयद रफ़ीक़ है। मैं जो है तो जमील भाई से जो तुमने सानी टूर से अलहमदिल्ला उनकी जो अकोमोडेशन है वो अलहमदिल्ला बहुत अच्छा है और वो रिजनेबल है जी। और वहाँ की जो अकोमोडेशन उन्होंने पैसे के हिसाब से दिए वो बहुत ज़्यादा है जी। जो उनके अकोमोडेशन है सऊदी एयरलाइन से आना सऊदी एयरलाइन से जाना और वहाँ पर जो तो हरम शरीफ के करीब होटल उनके हाँ देना ये उनके अकोमोडेशन से हमारे क्योंकि रिश्तेदार हमारे जाके आए अलहमदिल्ला उनके पाँच पैसे की तकलीफ नहीं। अच्छा, कोई आपके तरफ से पैगाम है जाते वक्त? एक दीनी पैगाम मुसलमानों के नाम का पैगाम। अल्लाह सबको ये सफ़र जो है तो वो करे और जितने भी भाई जिनको हिदायत मिली नहीं मिली अल्लाह उनको नसीब फरमाए। आमीन। कैसा लग रहा है उमरा के लिए रवाना? ये मेरे दोनों नवासे साथ थे। कैसे नाना साथ थे, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा है हमको और हमारे दोस्त लोग भी जाके आए हुए दूसरे टूर से। दूसरे टूर से हमारे दोस्त लोग भी जाके आए लेकिन हमने दो तीन जगह पूछे लेकिन सबसे बेस्ट हमको सानी लगा इसलिए हमने सानी डन कर लिया। ठीक है, अक्सर कहा जाता है हमने हदीस में पढ़ा आपसे, आपने पढ़ा होगा जवानी की बदातें बड़ी मकबूल आप होती हैं। जी जी। और आप एक नौजवानी का आलम मजारत कैसा महसूस कर रहे हैं? जी जी इंशाल्लाह मैं बहुत खुश नसीब बंदा हूँ अल्लाह का जो अल्लाह ने मुझे वहाँ बुलाया मेरी फैमिली के साथ। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला ऐसे नाना नानी सबको अता करे। अल्लाह के घर जा रहे हैं सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा उसके एक्साइटमेंट है कि बहुत दिनों से इसकी नियत करे थे, सोचे थे भाई जाएंगे 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 और अल्लाह ने ये करा कि भाई रास्ते ये बनाए कि भाई अब कल जा रहे, तो जो दिलों से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह भाई सानी से सुने थे भाई अच्छी सर्विस है बहुत सारे लोगों से। तो आप इससे पहली बार जा रहे हैं इनके पास? नहीं, पहली बार जा रहे हैं। तो किसी से सुन के गए, इंक्वायरी करके गए? कैसे? हाँ हाँ, सुन के गए। हाँ, वो हमारे साडू साहब है उन्होंने तो उन्होंने उनके पहचान के लोग थे तो उनके थ्रू ये हमारे साडू साहब हैं। हाँ, तो इन्होंने इनके पहचान के थे बहुत सारे लोग। जी जी। तो अच्छा रिव्यू था सानी से, बहुत लोगों का सबका अच्छा रिव्यू था। कितने लोग जा रहे हैं आप? हम तीन लोग जा रहे हैं। अच्छा, कोई पैगाम आपके जाते बस हमारे लिए दुआ कीजिए, हम भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे सब खैरियत। इस टूर का मैंने नाम बहुत सुना, मेरी बहन भौनी इसी टूर से दो उमरा कर चुके हैं और हमको इतमाद है ये टूर पे, इसलिए हम आज बड़ी दिलजहाँ ये टूर से जा रहे हैं और सारी सहूलत है यहाँ, ये सहूलत इतनी भी है और इतना अच्छी इनकी गाइडिंग है और इतना अच्छा इन्होंने अपने को जिस तरह हैंडल करते हैं वहाँ। ये टूर का नाम परवरदिगार हमेशा बुलंदी पे रखे और हमेशा ऊँचा रखे, इसी टूर से हमको सफ़र हमारी बहन भौनी हमारे और जो खानदान के लोग हैं अफराद खानदान के लोग अभी भी जा रहे हैं यहाँ से, तो मेरे जो खानदान के लोग हैं इसी टूर से बहुत सफ़र कर चुके हैं और अल्लाह चाहे ये टूर को और बुलंदी पे कराए और अल्लाह का एहसान है कि हमको थोड़ी गाइडिंग करे तो हम यहाँ पहुँच गए कि हमको सजेशन दिया गया है अगर आपको जाना है तो साइना के टूर से जाइए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा सफ़र भी इंशाल्लाह हमने लोगों के मुँह से सुने और हमको अच्छी तरह मालूम है और हमारा भी सफ़र आसान रहेगा और इंशाल्लाह ये जो टूर से भेज रहे परवरदिगार इनको चार चांद लगाए अल्लाह इनको बरकत दे और ये काम कर रहे हैं खिदमत का भी काम है और जिस तरह से ये लोग जो है वहाँ लेके जाके बाखूबी अंजाम निभा के आपको हर तरह से मदद करके आपका उमरा आपकी हर चीज़ मस्जिद कुबा है ये वहाँ से आपको फारिग करके लेके अल्लाह का बहुत बड़ा। कोई पैगाम या देश में हालात जो चल रहे हैं? एक बात बोलूँगा, पैगाम आपके तरफ से दुआई है हमारा पैगाम। एक बात बोलूँगा सारी उम्मत के लिए हिंदुस्तान के लिए, कोई दुआ करेंगे हालात अल्लाह बेहतर पैदा कर दे और अच्छे हालात पैदा कर दे, अच्छे से अच्छे हालात। आप कितने लोग जा रहे हैं? हमारे में मेरी अहलिया है और मैं हूँ और हमारे अफराज खानदान के भी लोग आए, बहुत से लोग इससे ही सफ़र कर चुके, अल्लाह का एहसान है आगे भी करते रहेंगे और यही टूर से करते हैं। आपका नाम, आप कहाँ से? मैं रेलवे स्टेशन फ्रैकमिल कॉलोनी से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आज का काफिला अब तक के जितने काफिले गए सबसे हटके है जी। उसकी वजह बुनियादी ये है कि इसमें कुछ ऐसा हमारा पैकेज है जिनके पास वक्त नहीं है, वक्त की कमी है और वो ये चाह रहे थे कि हमारे लिए शॉर्ट पैकेज बनाया जाए
तो इसमें 7 दिन का एतबार से भी लोग हैं, उसमें 15 लोग हैं, और कुछ ऐसे थे कि जो हम 12 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते थे, तो वो लोग भी है जो 12 दिन ही के लिए मक्का मुकर्रमा और बैतुल्ला शरीफ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाजिरी की तमन्ना रखते थे, लेकिन वो पैकेज नहीं बन पा रहा था। लेकिन हमने पहली मरतबा कोशिश की है कि 7 दिन वालों के लिए 7 दिन का पैकेज बनाया गया और 12 दिन वालों के लिए 12 दिन का पैकेज बनाया गया, और उसके अलावा जो पैकेज है वो मुकम्मल 20 दिन का है। ऐसे 64 लोगों का ये काफिला है, औरंगाबाद से जाने वाले यहाँ से अफराद मुकम्मल 40 है, और यहीं के टोटल अफराद अतराफ के नहीं है यहीं के, लेकिन किसी ख्वाहिश थी रिश्तेदारों की हम उनको एयरपोर्ट तक छोड़ेंगे, तो बकिया लोग जितने भी हैं वो बॉम्बे एयरपोर्ट पर वहाँ पर अपने ज़ाती तौर पर गाड़ी अपनी गाड़ियों से पहुँचने वाले हैं, और ये काफिला 40 का एक साथ एक बस में जाएगा। ऐसे टोटल 64 हाजी है जो 3 पैकेजेस में डिवाइड अलग अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इसके बाद इंशाल्लाह अपना जो पैकेज बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 21 तारीख का भी है, 24 तारीख का भी है, और 11 तारीख का भी है, तो उसमें भी इंशाल्लाह 24 तारीख का है वो मुकम्मल 20 दिन का है, बाकी सब 20-20 दिन के अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैकेज थोड़ा सा हटके ये हमारे लिए एक नया तजर्बा है, बल्कि हमारी एक नई जिम्मेदारी है, अगर ये कामयाब होता है तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी इस तरीके के पैकेज उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता तो इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह। सर एक बात बोलिए, ये वीडियो पूरे मराठवाड़े में वायरल होता है, अब जो नए लोग जो उमरा को जाने वाले हैं और पहली बार आपका अगर वीडियो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो आपके जबानी आपका एड्रेस बोल दीजिए और मोबाइल नंबर बोल दीजिए। भैया अल्हम्दुलिल्लाह नंबर वगैरह तो शायद मुझे नहीं लगता कि देने की ज़रूरत है, लेकिन एहतियातन ये है कि हमारे बड़े भाई का नंबर जमील सानी उनका है 9011001100, और ये सानी रेस्टोरेंट के बिल्कुल बाजू में है, सानी हज उमरा इंटरनेशनल जो ऑफिस है ये अगर आप इधर से आते हैं तो आइकॉन हॉस्पिटल से आगे हैं, और इधर से ये जो सलीम अली लेक है हमारा लैंडमार्क भी अल्हम्दुलिल्लाह नए आदमी के लिए भी सहूलतमंद है, सलीम अली लेक को बिल्कुल लगकर ही है, पड़ोस में है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।